जी महाराज, मैं वरुण गुप्ता अपनी पूरी शाम परिवार की तरफ से सभी कठुआ वासियों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामना देता हूं। इसी के साथ 22 जनवरी को जो कि हमारे राम प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में, उसके उपरांत मैं दिल से माननीय मोदी जी को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हमारी और हमारे यूथ के लिए जो राम प्रभु अपने सनातन धर्म के लिए जो उन्होंने अपना योगदान दिया और हमारे यूथ के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनाया कि आगे आने वाले जो भी हैं कि अपने आस्था को लेकर, अपने प्रभु को लेकर हमारे दिल में आस्था जगी है। मैं सभी से, यही कठुआ वासियों से, सभी जितने भारतवर्ष के, क्योंकि 22 जनवरी का दिन एक कोई डेट नहीं है, वो एक हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि उस दिन हमारे प्रभु मंदिर में आ रहे हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो मैं सभी से, जितने भी हैं जो अपने नज़दीकी मंदिर हैं वहाँ पे जाएं, जो नहीं जा सकते वो अपने घर पे ही उस दिन प्रभु का जी का अयोध्या से लाइव प्रसारण होगा, उसके उपरांत घर पे बैठ के ही प्रभु की पूजा करें। मैं सभी कठुआ वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और हमारे जितनी भी टीम है सभी बड़े ज़ोर शोर से इसे मना रही है। भगवान करे सभी परिवारों में लोहड़ी जो है सुख शांति समृद्धि लेकर आए और तंदुरुस्ती लाए और आपस का भाईचारा बढ़ाए और प्रभु श्री राम जी का की कृपा, जिनके 22 जनवरी को अयोध्या में खुले दर्शन होने वाले हैं, तो मैं कठुआ की तरफ से यानी श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और हमारा शहर सुख शांति से लगे